जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करते ना, तभी चार पांच ऑप्शन दिखाई देते, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, शेड्यूल्ड एंड सेट एज प्रीमियर। हम लोग को तो प्राइवेट और पब्लिक ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है, पर अनलिस्टेड, शेड्यूल्ड और सेट एज प्रीमियर क्या है वो पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, अनलिस्टेड क्या होता है, शेड्यूल्ड क्या होता है, सेट एज प्रीमियर क्या होता है, अगर ये सेट करने से आपके रैंकिंग में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, ये पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आज आपको दूंगा। तो वीडियो में बने रहे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राइवेट क्या होता है। प्राइवेट तो हम सबको पता है, आपने समझो वीडियो अपलोड करते टाइम पे प्राइवेट ऑप्शन पे क्लिक किया तो क्या होगा, सिर्फ आपको दिखाई देगा, YouTube के कोई भी एल्गोरिदम में आपका वीडियो दिखाई नहीं देगा, YouTube को नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको आपका वीडियो दिखाई देगा जब भी आप प्राइवेट पे सिलेक्ट करके वीडियो अपलोड करोगे। तो ना कि उसका वॉच टाइम काउंट होगा, ना उस पर व्यूज़ आएंगे, ना किसी का नोटिफिकेशन आएगा, बस सिर्फ वो नाम के लिए वीडियो अपलोड हुआ रहेगा, उसको बोलते हैं प्राइवेट। और प्राइवेट में अभी एक ये भी आया है, शेयर प्राइवेटली। वो क्या है, हम वो प्राइवेट वाला वीडियो किसी और को सेंड कर सकते हैं। सेंड करते टाइम पे वो एक ईमेल आईडी, वहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करके वहाँ पे उसको सेंड करने का, जब भी वो ईमेल आईडी टाइप करेगा ना तभी उसको वीडियो दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। तो ये होता है प्राइवेट। नेक्स्ट अनलिस्टेड। अनलिस्टेड क्या होता है, जब भी आप अनलिस्टेड सिलेक्ट करके वीडियो अपलोड करोगे ना तो क्या होगा, वीडियो तो अपलोड हो जाएगा पर जो वीडियो का लिंक है ना आप किसी और को सेंड करोगे ना तो वो आपका वीडियो देख सकता है, वो बंदा वही लिंक किसी और को सेंड करेगा ना तो वो दूसरा बंदा भी देख सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग देख सकते हैं लिंक द्वारा, आपका जो वीडियो का लिंक है वो जितना शेयर होगा उतना आपका वीडियो देखा जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा अगर वो वीडियो अनलिस्टेड में सिलेक्ट हुआ तो। मैं ये बात बोल रहा हूँ, अनलिस्टेड वीडियो देखा जाता है पर लिंक द्वारा, प्राइवेट वीडियो लिंक द्वारा नहीं देखा जाता है। तो अनलिस्टेड का ये हुआ, अगर आप समझो वीडियो अनलिस्टेड में रखोगे उसके बाद आप उसको पब्लिक करोगे तब नोटिफिकेशन जाएगा सामने वाले को। तो मैं यही कहना चाहता था, अनलिस्टेड करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, अनलिस्टेड करने के बाद उसको पब्लिक करोगे ना तो नोटिफिकेशन जाएगा। तो ये हुआ अनलिस्टेड। तीसरा हो गया, तीसरा क्या है, पब्लिक। पब्लिक तो पब्लिक होता है, जैसे हमने पब्लिक पे क्लिक करने के बाद वीडियो अपलोड किया तो वीडियो अपलोड करने के बाद उसका नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर्स को जाएगा, सब्सक्राइबर्स को जाने के बाद वो सब्सक्राइबर आपका वीडियो देखेंगे तो व्यूज़ आएगा और पब्लिकली अपलोड हो जाएगा, हर एक बंदा वो देख सकता है, मतलब पब्लिकली जो चाहे वो देख सकता है आपका वीडियो, वो पब्लिकली अपलोड हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं पब्लिक। इसमें कुछ ज़्यादा बोलने लायक नहीं है, ये पब्लिक यही है, सेंड किया सबको दिख जाएगा वीडियो, पूरे मतलब जो भी देखना चाहे वो देख सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट शेड्यूल। बोलते हैं ना यूट्यूबर्स लोग डेली वीडियो अपलोड करो, डेली कॉन्स्टेंट रहो, हम लोग डेली वीडियो अपलोड भी करते हैं पर कभी कभी ऐसा टाइम आता है ना हम लोग उस दिन रिकॉर्ड नहीं कर सकते वीडियो, मतलब टाइम नहीं मिलता है तो वो दिन ऐसे निकल जाता है। तो शेड्यूल्ड एक बेस्ट ऑप्शन है। क्या कर सकते हैं मालूम है क्या, आप 10 दिन समझो किधर बाहर 10 दिन गए, 5 दिन गए, कितने भी दिन बाहर गए, उतने दिन का आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग करके रख सकते हो मोबाइल में और उसको एक 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 वीडियो को शेड्यूल कर सकते हो, मतलब 10 ही वीडियो एक ही टाइम पे आप अपलोड कर सकते हो अगर आप शेड्यूल ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो समझो अभी एक वीडियो आपने अपलोड किया, उसमें शेड्यूल डाला आज रात को 9 बजे ये वीडियो अपलोड होगा, डाला शेड्यूल पे क्लिक किया, उसके बाद आप दूसरा वीडियो भी तुरंत डाल सकते हो, उसका शेड्यूल टाइम डाल सकते हो कल का, आपने वो वीडियो अपलोड किया और टाइमिंग डेट कल का डाला, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, पांचवें दिन का, ऐसे 10 दिन का आप सेम ही टाइम पे वीडियो अपलोड कर सकते हो, खाली टाइमिंग और उसका डेट चेंज कर सकते हो। और 10 दिन आप बाहर घूमने गए ना तो बाहर घूमो फिरो कुछ भी करो,
वो वीडियो ऑटोमेटिकली उसके डे बाय डे अपलोड होते रहेगा, आज अपलोड होएगा, कल अपलोड होएगा, परसों अपलोड होएगा, सामने वाले को लगेगा कि आप डेली अपलोड कर रहे हो, पर उनको क्या पता कि आप बाहर घूम रहे हो, इधर घूम रहे हो, उधर मजा कर रहे हो। तो ये हुआ शेड्यूल, शेड्यूल का ये यूज है, समझे, कितना मस्त है शेड्यूल ऑप्शन। तो ये यूज़ करो भाई, समझो अभी आप रात को 8 बजे सोते हो, आपको 9 बजे वीडियो अपलोड करना है, डेली 8 बजे सोते हो, तो आप डेली जब भी वीडियो अपलोड करोगे तो शेड्यूल ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। मतलब आप वीडियो 6 बजे अपलोड कर दो, 6 बजे अपलोडिंग पे डाल दो, कभी भी जो टाइम में डालना है वो टाइम में डाल दो, और उसका टाइमिंग 9 बजे सेट कर दो। अगर आपको 9 बजे ही अगर वीडियो से टाइमिंग सेट करना है तो 9 बजे सेट कर दो और आप सो जाओ, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे सो जाओ, वो वीडियो ऑटोमेटिकली 9 बजे अपलोड हो जाएगा। भले आपका मोबाइल बंद हो, आपका नेट बंद हो या चालू हो, वो वीडियो ऑटोमेटिक 9 बजे अपलोड हो जाएगा। तो ये हुआ शेड्यूल। शेड्यूल के नीचे एक बॉक्स रहता है, चेक बॉक्स, उसमें लिखा रहता है सेट एज प्रीमियर। अगर आप उसको सिलेक्ट करके, शेड्यूल ऑप्शन सिलेक्ट करके, उसके बाद नीचे सेट एज प्रीमियर पे भी सिलेक्ट करोगे ना, तो वहाँ पे नीचे क्या होता है, सेट एज प्रीमियर, उस पर सिलेक्ट करोगे तो आप अपलोड करोगे ना वो वीडियो, तो सामने वाले को दिख जाएगा ये आपका वीडियो ये टाइम में आने वाला है। जैसे नहीं कि हम लोग अभी किसी किसका वीडियो देखते हैं, उसका वीडियो दिख जाता है हम लोग को हमारे होम पेज पे या हमारे चैनल पे, इधर किधर दिख जाता है, तो हम लोग उस पर क्लिक करते हैं, पर वो वीडियो चलता नहीं, वो वीडियो 9 बजे, 10 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी अपलोड होता है, ऐसा लिख के आता है वीडियो नहीं क्या, ऐसा ये टाइम पे वीडियो आने वाला है, और उसका थंबनेल, उसका ये सब दिखाई देता है। हम वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, शेयर नहीं कर सकते, लाइक कर सकते हैं, बस कमेंट कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सेट एज प्रीमियर। ये अनलिस्टेड में नहीं होता है, ये शेड्यूल में भी नहीं होता है। अगर शेड्यूल रखोगे तो किसी को ऐसे दिखाई नहीं देगा आपका वीडियो, सिर्फ आपको ही दिखाई देगा, जब भी अपलोड होगा तभी बाकी लोगों को दिखाई देगा। सेट एज प्रीमियर में बाकी लोगों को दिखाई देगा, पर वीडियो तभी प्ले नहीं होगा, प्ले जब भी होगा, जब भी उसका अपलोड का टाइम होगा, तब तक सामने वाले उसको लाइक कर सकता है, डिसलाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये हुआ। तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, आप लोग जब भी वीडियो अपलोड करोगे ना, तो वीडियो को अनलिस्टेड करो सबसे पहले। अनलिस्टेड करने के बाद वीडियो अपलोड करेगा ना, तो उसको आप कभी भी पब्लिक कर सकते हो। एक बार अनलिस्टेड किया तो अनलिस्टेड ऑप्शन एकदम बेस्ट है। कैसा, अगर आप अनलिस्टेड करके उसको पब्लिश करोगे बराबर, तो आप आपका वीडियो एक बार देख सकते हो कि आप बराबर है कि नहीं, पूरा सब ठीक लगा या कुछ गड़बड़ लगी, तो फिर से उसमें चेंजेस कर सकते हो। अगर सही लगा अनलिस्टेड के बाद, तो बाद में उसको पब्लिक कर सकते हो, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जब भी हम लोग अनलिस्टेड करके वीडियो पब्लिश करते हैं, तो किसको नोटिफिकेशन नहीं जाता है, हम लोग अपना वीडियो पूरी सिक्योर तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद पब्लिक करोगे ना, तो सामने वाले को नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बाद आपके रैंकिंग में इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेंशन मत लो। पर अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपने वीडियो प्राइवेट अपलोड किया तो उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। अगर आपने वीडियो पब्लिक करके अनलिस्टेड किया, समझ रहे हो, पब्लिक करके अनलिस्टेड किया, पब्लिक करके प्राइवेट किया फिर से, तो उसका वॉच टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। वॉच टाइम किसका काउंट किया जाता है, जो पब्लिक होता है वीडियो, जो पब्लिकली सबको दिखता है, उसका वॉच टाइम काउंट करता है यूट्यूब। अगर आप पब्लिक करके अनलिस्टेड करोगे, प्राइवेट करोगे, कुछ भी हाइड करोगे, तो उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ, इस वीडियो में यही बताना चाहता था आपको। और एक मेंबर ओनली भी ऑप्शन होता है, जब भी आपका चैनल में ज्वाइन बटन आएगा ना, तो एक मेंबर ओनली भी ऑप्शन होता है। मेंबर ओनली क्या होता है, वो कैसा, एक स्पेसिफिक मेंबर्स के लिए होता है, मतलब हम लोग को देखने से पहले वो यूट्यूबर सबसे पहले उनको दिखाता है, या कुछ स्पेशल वीडियो होगा तो उनको दिखाता है, या 7 दिन पहले, या किसी मतलब कितने दिन भी पहले, वो पहले सबसे पहले उनको दिखाता है, क्योंकि वो उनके मेंबर है, उन लोगों ने पैसा भरा है, तो वो होता है मेंबर का। तो वो सिलेक्ट करने से पहले उनको दिखेगा, बाद में हम लोग को दिखेगा, या वो यूट्यूबर उनको हम लोग को दिखाने नहीं चाहते, उनको दिखाने चाहते मेंबर को, तो उनके लिए ये होता है ये वीडियो, समझे। इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था, आप लोग समझ गए ये सबका यूज़ क्या है, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, शेड्यूल्ड, मेंबर ओनली, सेट एज प्रीमियर, सब मैंने इस वीडियो में बताया आपको डिटेल में। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अगर
आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं समझता है आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।